यूपी की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल ऐसा है कि सभी बेहाल हैं। कभी किसी को सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिलता तो किसी की इलाज के अभाव में हॉस्पिटल में ही मौत हो जाती है। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल का आलम यह है कि लाइन में लगे मरीज भी इलाज में देरी की वजह से दम तोड़ रहे हैं। इन तमाम घटनाओं के बाद भी उत्तर प्रदेश में रामराज की कल्पना की जाती है। इस बार जो मामला सामने आया है उसमें तो डॉक्टरों की लापरवाही से एक गर्भवती महिला को हॉस्पिटल के गेट के सामने ही प्रसव कराना पड़ गया। आरोप है कि दर्द से गर्भवती महिला तड़पती रही, लेकिन डॉक्टरों ने उसका इलाज करना तो दूर, मौके पर ही नहीं पहुंचे। एक घंटे तक गर्भवती महिला दर्द से तड़पती रही, लेकिन हॉस्पिटल के किसी भी कर्मी ने मानो उसकी चीख ही नहीं सुनी। मामले ने जब तूल पकड़ा तो डॉक्टरों के हस्तक्षेप के बाद महिला को उसके बच्चे के साथ वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। ये मात्र एक घटना नहीं है जिसमें गर्भवती महिला के साथ इस तरह की लापरवाही की गई है। ऐसे यूपी के अनगिनत हॉस्पिटल हैं जहां हर रोज मरीजों के साथ ऐसी ही घटनाएं होती हैं। फिलहाल बहराइच की इस घटना में सीएमओ ने भी स्वीकार किया है कि गलती हॉस्पिटल के कर्मचारियों की थी। ऐसे दोषियों पर कार्रवाई की बात भी सीएमओ ने कही है। साथ ही यह भी कहा है कि महिला का अब प्रॉपर वे में इलाज शुरू हो चुका है और उसमें जो है स्टाफ के द्वारा पता लगा कि जो है स्टाफ ने आने से मना कर दिया है, जो मैंने तुरंत ही उस पर रोष प्रकट किया, कहा कि उनका नाम पता लगाओ, मैं उस कार्रवाई करूंगा। पेशेंट जो थी लेडीज थी, वो सफीकुन निशा थी, उस वाइफ आप साहब अली है, वसीरगंज की रहने वाली है। और तुरंत हमने फिर सुपरवाइजर ने वहां से स्टेशन पे उसको लाद करके डिलीवरी रूम में पहुंचा दिया है, जहां पे उसका देखभाल हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है। नहीं, अस्पताल और सड़क पर तड़पती रही वो महिला एक घंटे तक। हाँ, वहां के स्टाफ ने वहां आने से कहा कि हम कैंपस के हमारे हॉस्पिटल के बाहर है, मैं वहां पर नहीं जाऊंगी। तो उसको भी हमने फटकार लगाई है फोन पे ही हमने, और हमने कहा तुम्हारे कार्रवाई करेंगे हम जो है, और निश्चित रूप से हम। रिजवान खान, जनमत न्यूज, बहराइच।